लोगों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना और भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में समझा था। और कल की क्लास में हम लोगों ने भारतीय जो संघ है और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में समझा कि भारत को जो है यूनियन ऑफ स्टेट क्यों कहा गया है और भारत का जो संघ है वो अमेरिका के संघ से किस तरीके से अलग है और आर्टिकल 1, 2, 3 और 4 में जो है भारतीय राज्य क्षेत्र है, संघ शासित प्रदेश है और अधिकृत जो क्षेत्र भारत सरकार द्वारा जो किए जाएंगे, भारतीय राज्य द्वारा जो किए जाएंगे उनके संबंध में क्या क्या प्रावधान है और कैसे जो है कैसे भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया गया, जिसमें मैंने भाषाई प्रांतीय आयोग एस के धर की अध्यक्षता में 1947 में जो गठित हुआ था उसके बारे में आपको बताया था। फिर 1948 में जेबीपी जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में एक कांग्रेस द्वारा जो कमेटी गठित की गई थी उसकी रिकमेंडेशन के बारे में बताया। फिर मैंने एक आयोग आपको बताया था फजल अली स्वतंत्रता के बाद में 1953 में फजल अली आयोग की गठन किया गया था जिसमें हृदयनाथ कुंजरू और एम पन्नीकर सदस्य के तौर पर थे और उनके द्वारा जो है भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की जो है एक तरीके से रिकमेंडेशन को मान लिया गया, लेकिन साथ में ही उन्होंने आर्थिक जो है और साथ में सांस्कृतिक विविधता को देखते हुए राज्यों के गठन के लिए उन्होंने सिफारिश की थी और सरकार ने 1956 में इसके आधार पर ही एक राज्य पुनर्गठन आयोग जो है गठित किया था और उसके आधार पर भारत में राज्यों का निर्माण की परंपरा एक तरीके से हम ये कहेंगे या उनकी सीमा को एक तरीके से निर्धारित करने का भाषा के आधार पर किया गया। और मैंने कल ये भी बताया था कि रिसेंटली जो है एक नया राज्य बना था 2014 में तेलंगाना और उसके बाद में जम्मू कश्मीर जो हमारे जो है एक भारतीय संविधान में आर्टिकल 370 के तहत स्पेशल एक विशेष प्रावधान एक स्पेशल प्रावधान था उसको समाप्त करके भारतीय जो है संविधान में उसके लिए जो विशेष प्रावधान था उनको समाप्त कर दिया गया और उसको एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 2 भागों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में उसका विभाजन कर दिया गया। तो इस अर्थ में भारतीय संविधान में या ये कहें कि अब भारत में जो 28 राज्य और जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश में 2019 में सरकार द्वारा दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उसका गठन कर दिया है। अब हम बात करेंगे भारतीय नागरिकता के संबंध में। तो भारतीय जो संविधान है उसके भाग 2 में अनुच्छेद आर्टिकल 5 से और अनुच्छेद आर्टिकल 2 जो है 11 तक भारत की नागरिकता के संबंध में चर्चा की गई है। तो सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि ये जानने का प्रयास करेंगे कि नागरिक वास्तविकता में कौन है, नागरिक अगर किसी राज्य के लिए किसी देश के लिए नागरिकों का क्या महत्व है और नागरिकों को एक सामान्य अन्य व्यक्तियों से क्या अधिकार प्राप्त होते हैं। अगर हम ये देखें कि किसी भी देश में 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, अगर यहाँ हम व्यक्ति कहें तो 2 तरीके के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति वो होते हैं जो उस देश के नागरिक होते हैं और दूसरे व्यक्ति वो होते हैं जो किसी विदेश जो है विदेशों से आए हुए होते हैं जिनको हम विदेशी व्यक्ति कहते हैं। जैसे भारत में लोग घूमने के लिए आते हैं तो वो विदेशी रूप में हो जाते हैं। अगर हम नागरिकों की बात करें तो जो नागरिक हैं भारत में जो नागरिक हैं उनको जो है सिविल अधिकार और राजनीतिक अधिकार उनको प्राप्त है। जो किसी भी देश के जो नागरिक होंगे क्योंकि वो उस देश के मूल निवासी भी होते हैं और उनको राजनीतिक और साथ में उनको ये कहें कि राजनीतिक के साथ साथ सिविल अधिकार भी प्राप्त होते हैं, लेकिन विदेशी जो होते हैं उनके साथ में ऐसा नहीं होता है। अगर हम भारतीय नागरिकों की बात करें तो भारतीय जो संविधान है उसमें कुछ ऐसे विशेष प्रावधान हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, जो कि अन्य जो विदेशी लोग हैं उनको प्राप्त नहीं है। अगर हम बात करें अनुच्छेद हमारे संविधान के अनुच्छेद मूल अधिकारों में बात करें तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 मतलब आर्टिकल जो हमारा 15 ये कहता है कि जो भारतीय के जो नागरिक होंगे उनके बीच में धर्म भाषा लिंग जन्म स्थान मूल वंश के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब ये संरक्षण जो प्राप्त है ये विदेशियों को प्राप्त नहीं। अगर हम इनके आधार पर हम विदेशियों के साथ में भेदभाव कर सकते हैं
तो अगर कोई विदेशी भारत में है तो वो ये दावा नहीं कर सकता है कि भारत में मुझे जो है किसी भी प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उसको ये जो हमारे मूल अधिकार है वो सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। 15, 16, 19, 29 और 30 वह जो हमारा अनुच्छेद कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब भारत सरकार द्वारा जो भी सार्वजनिक जो सेवाएं हैं उनमें अवसर की समानता होगी। एक व्यक्ति कोई भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो रहा है या किसी भी पद के लिए कोई साक्षात्कार हो रहा है, जो भी हो, कुछ भी चीज हो रही है, तो उसके लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ समान है, उसको समान रूप से अधिकार प्राप्त होंगे। अगर हम बात करें आर्टिकल 19 की, तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है तो जो सिर्फ भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। और ऐसे ही आर्टिकल 29 और 30 में जिसमें विशेष प्रावधान अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान किया गया, उनकी भाषा लिपि और जो है संस्थानों को जो है विशेष संस्थान उनके जो बनाए रखेंगे उनके प्रबंधन के लिए उनको अधिकार दिया गया है। तो आर्टिकल 15, 16, 19 और 30 ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। अगर हम अन्य राजनीतिक अधिकारों की बात करें तो अन्य राजनीतिक अधिकार में जैसे राष्ट्रपति पद, राष्ट्रपति का पद हो गया, और कुछ ऐसे पद हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिक, अगर ये कहें कि वोट डालने का अधिकार भी एक तरीके से विदेशी नागरिकों को नहीं है, ये भी एक तरीके का राजनीतिक अधिकार है। किसी सार्वजनिक पद पे चुने जाना, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, उस वो पद पे चुने जाने का भी अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं होगा। भारत के जो नागरिक है उनको सिविल अधिकार और नागरिक जो है राजनीतिक अधिकार दोनों प्राप्त होते हैं। अगर विदेशी नागरिकों की बात करें तो विदेशी नागरिक भी दो कैटेगरी जो है दो श्रेणी उनको दो भागों में बांट सकते हैं। ऐसे ऐसे विदेशी जो भारत के जो है मित्र राष्ट्र के तौर के नागरिक हैं, और ऐसे ऐसे विदेशी जो भारत के जो है शत्रु जो है जिनके साथ भारत के शत्रु राष्ट्र के जो है विदेशी नागरिक हैं। तो पहला हम ये बात पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो विदेशी जो जो नागरिक हैं जो भारत के जो मित्र राष्ट्र हैं, मित्र राष्ट्र अर्थ ये हो गया कि जिनके साथ भारत के राजनीतिक जो संबंध हैं वो सौहार्दपूर्ण हैं, जिनके साथ भारत के राजनीतिक जो संबंध है सौहार्दपूर्ण हैं वो भारत के मित्र राष्ट्र होंगे, तो उनके जो नागरिक होंगे। दूसरा ऐसे विदेशी होंगे जिनके भारत के साथ में युद्ध युद्ध चल रहा हो या उनके साथ राजनीतिक संबंध अच्छे ना हो, तो वो विदेशी जो है विदेशी राष्ट्र या विदेशी शत्रु देश के तौर पर उनके नागरिकों को, उनके जो नागरिक है विदेशी नागरिक है उनको रखा जाएगा। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान जो है नागरिकता, भारतीय संविधान में जो दी गई है भारतीय संविधान के भाग दो में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक हमने चर्चा की है, तो भारतीय संविधान में नागरिकता के संबंध में जो कानून बनाने का अधिकार है वो हमारी संसद को प्राप्त है। और इस संबंध में संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया है, और इसमें समय समय पर भारत में नागरिकताओं भारत में भारत की नागरिकता को प्रदान करने के लिए समय समय पर इसमें संशोधन किए गए, जैसे 1986 में संशोधन किया गया, 1986 में किया गया संशोधन, ऐसे ही 1992 में संशोधन किया गया है, 2003 में संशोधन, 2005 में संशोधन किया गया, 2015 में, और रिसेंटली 2019 में नागरिकता को जो है नागरिकता में संशोधन किया गया। तो नागरिकता अपने आप में एक महत्वपूर्ण जो है, पिछले वर्ष के हम लोग घटनाक्रम को देखें तो नागरिकता का मुद्दा एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है, और जिस पर एक जो है विवाद की स्थिति भी देश में उत्पन्न हुई है उससे आप लोग सभी एक तरीके से परिचित हैं। तो अगर नागरिकता के लिए हम लोग बात करें तो भारतीय संविधान का 5, 6, 7 और 8 जो है भारत में लोगों को नागरिकता किस तरीके से नागरिकता दी जाएगी, नागरिकता देने की बात कही गई है। आर्टिकल 9 और 10 जो है वो एक तरीके से नागरिकता किस तरीके से नागरिकता वापस ली जा सकती है या नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, 9 और 10 उसमें कहा गया है। और आर्टिकल 11 संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे, आज सिर्फ हम जो है 5, 6, 7 जो हमारे रखे हैं उन पर डिस्कस करेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम नागरिकता संशोधन जो अधिनियम 1955 है उसमें किन किन आधारों पर भारत की नागरिकता दे सकते हैं हम लोग उस पर चर्चा करेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आर्टिकल जो हमारा 5 है, जिसमें भारतीय जो संविधान के प्रारंभ होने पर जो नागरिकता की उसमें है, तो उसमें ये कहा गया है उसमें कि भारतीय संविधान के प्रारंभ होने पर, भारतीय संविधान के प्रारंभ होने पर कोई व्यक्ति जो है भारत का, जो प्रत्येक व्यक्ति भारत का राज्य क्षेत्र का जो नागरिक होगा, किन किन आधारों पर होगा, इसमें तीन चीजों का इसमें उल्लेख किया गया है। पहले तो ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति भारतीय संविधान के लागू होने पर भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। दूसरा पॉइंट इसमें ये कहा गया है कि जिसके माता या पिता का जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो। तीसरा उसमें यह कहा गया है कि संविधान प्रारंभ होने से पहले वो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष तक जो है निवासी रहा हो, भारत के राज्य क्षेत्र में 5 वर्ष तक उसने निवास किया हो। तो आर्टिकल 5 ही कहता है कि इस भारतीय संविधान के प्रारंभ होने पर, अगर नागरिकता के संबंध में बात की गई है, आर्टिकल 5 जो है भारतीय संविधान के लागू होने पर नागरिकता के संबंध में है। तो इसमें यह कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, यदि पहला ये कि उसका जन्म भारत में हुआ हो, दूसरा ये कि उसका जो उसके माता पिता हैं, माता या पिता जो है उनका भी जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान के लागू होने से 5 वर्ष से पूर्व वो भारत के जो राज्य क्षेत्र है, भारत की जो टेरिटरी है, उसके अंदर वो निवास कर रहा हो। आपको समझ में आ गया होगा कि जो आर्टिकल 5 जो है उसमें तीन चीजों का जिक्र किया है जो मैंने आपको बताया। आर्टिकल हमारा जो 6 है, क्योंकि अब आर्टिकल 6 और 7 की परिस्थितियों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जब भारत जब स्वतंत्र हो रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जिसमें भारत का विभाजन हुआ। तो भारत का जब विभाजन हुआ था तो एक जो है पाकिस्तान एक भारत राष्ट्र बना और एक जो पाकिस्तान राष्ट्र के रूप में भारत का जो है विभाजन हो गया। तो जो कुछ ऐसे लोग थे उस समय, कुछ जो लोग पाकिस्तान जाना चाह रहे थे, कुछ लोग भारत में रहना चाह रहे थे, तो उस समय बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है लोगों का एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, एक तरीके से स्थानांतरण हो रहा था। वो जो लोग कुछ लोग पाकिस्तान जाना चाह रहे थे और कुछ लोग भारत में आना चाह रहे थे। तो जो लोग पाकिस्तान एक तरीके से जो लोगों ने पाकिस्तान हम ये कहें कि पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया, भारत में आर्टिकल जो 6 है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 6 है, वो पाकिस्तान से जो लोग भारत में आए उनको नागरिकता देने के संबंध में आर्टिकल 6 जो है उसमें प्रावधान किया गया है। तो उसमें यह कहा गया कि कोई किसी व्यक्ति को भारत का, जो पाकिस्तान से जो व्यक्ति आया है, तो उसको भारत का नागरिक किन आधारों पर, किन शर्तों पर उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। पहला ये तो ये कहा गया है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से आया है उसका या उसके माता पिता का या उसके दादा दादी जो हैं या उनके नाना नानी का जो जन्म है वो अविभाजित जो भारत था उसमें हुआ हो, मतलब भारत का जो पार्टीशन हुआ है, अगर हम ये कहें कि 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले जो है जो व्यक्ति पाकिस्तान से आया है भारत में, जो अविभाजित भारत था, पाकिस्तान और भारत जो एक थे, उस समय भारत में उसकी माता, उसका या उसकी माता पिता का या उसके दादा का या उसके दादी का या नाना या नानी का किसी का भी जन्म जो है भारत का अविभाजित भारत में हो। दूसरी चीज इसके अंदर ये कहा गया कि वो व्यक्ति जो है 19 जुलाई 1948 से पूर्व जो है भारत में आकर रह रहा हो। ये फिर सरकार द्वारा क्यों निर्धारित की गई, क्योंकि इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में, चूंकि भारत से लोग जो पाकिस्तान जा रहे थे, तो एक तरीके से पंजीकरण की व्यवस्था सरकार द्वारा प्रारंभ कर दी गई थी। सरकार के पास एक सरकार ने ये कोशिश करी कि एक हमारे पास एक रिकॉर्ड हो कि कितने लोग जो है पाकिस्तान में गए हैं या कितने लोग भारत में आए हैं। तो सरकार द्वारा एक डेट निर्धारित की गई, 19 जुलाई 1948 से पूर्व जो व्यक्ति भारत में आ गए हैं, 19 जुलाई 1948 से पूर्व जो व्यक्ति भारत में आ गया हो और वो भारत में रह रहा हो, ठीक है ना, लेकिन संविधान के लागू होने से पूर्व
संविधान के लागू 1948 से पूर्व 1948 जो है 19 जुलाई 1948 के पूर्व और संविधान के लागू होने जो है 26 जनवरी 1950 के पूर्व भारत के रूप, अगर वो जो है 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया हो तो भी वो भारत का नागरिक होगा, लेकिन अगर वो जो 26 जनवरी 1950 भारतीय संविधान जो लागू हुआ है उसके बाद आता है और वो तो भारत में एक नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन कराता है या पंजीकरण कराता है तो उसको भी भारत का नागरिक प्रदान की जाएगी। तो पहला आर्टिकल हमने ये समझा कि भारत के संविधान के लागू होने पर भारत की संविधान जो है नागरिकता किन किन आधारों पर दी जाएगी। आर्टिकल 6 ये कहता है कि जो लोग पाकिस्तान से आए हैं उनको नागरिकता किन किन आधारों पर दी जाएगी। ऐसे ही हमारा आर्टिकल जो है जो 7 वो जो है वो उन लोगों के लिए प्रावधान करता है जो जो विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई वो लोग वहां पाकिस्तान जाकर एक एक स्थायी रूप से नहीं बसे और बाद में दोबारा भारत वापस आए। मतलब पाकिस्तान तो गए पार्टीशन के समय लेकिन दोबारा भारत में वो लोग वापस आ गए, तो ऐसे लोगों को भी भारतीय संविधान में जो है नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। इसमें भी हम देखेंगे, इसमें यह कहा गया है कि आर्टिकल 7 में यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत ऐसे भारतीय राज्य क्षेत्र में जो पाकिस्तान के अंतर्गत था और पाकिस्तान के अंतर्गत था चला गया था, मतलब 1 मार्च 1947 को कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 को कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, लेकिन वो भारत अगर लौट आया है और वो भी किस डेट को लौट आया है 19 जुलाई 1948 पश्चात अगर वो भारत लौट के आता है तो उसको भागने की भारत की नागरिकता इस शर्त के आधार पर दी जाएगी कि वो कम से कम 6 महीने तक भारत में रहा हो। तो यहाँ दो चीजें मेंशन स्पेशली रूप से हम लोग देखेंगे। पहली ये कि उन एक मार्च 1947 के बाद वो जो पाकिस्तान चला गया हो लेकिन उसके बाद अगर वो भारत आ जाता है और 19 जुलाई 1948 के बाद अगर वो भारत आता है तो उसको रजिस्ट्रेशन के द्वारा मतलब पंजीकरण के द्वारा उसको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। आर्टिकल 7 में समझा, अब आर्टिकल 8 के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें ऐसे व्यक्ति जो जो मूल रूप से तो भारतीय हैं लेकिन वो लोग भारत में नहीं है, ऐसे व्यक्ति आर्टिकल 8 में ऐसे व्यक्तियों को भारत की नागरिकता देने के संबंध में प्रावधान किया गया है जो भारत के नागरिक तो है मतलब भारत के मूल निवासी हैं लेकिन अन्य देशों में रह रहे हैं, चाहे वो हम यूरोपीय कंट्री कहें या अमेरिका कहें या कोई भी देश हम लोग मान सकते हैं सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर, तो उनके लिए ये प्रावधान किया गया है कि अगर वो व्यक्ति या उसके माता पिता या उसके दादा दादी या उसके नाना नानी उनमें इनमें से किसी का उस व्यक्ति का या उसके माता पिता का या उसके दादा दादी का या नाना नानी का अगर वो लोग भारत में जन्मे हैं, अगर वो उनका जन्म भारत में हुआ है और संविधान के प्रारंभ होने से या संविधान के जो है प्रारंभ होने से पूर्व या संविधान के लागू जो प्रारंभ होने के पश्चात भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करता है तो उसको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, दोबारा इसको समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे व्यक्ति जो भारत के मूल निवासी तो हैं लेकिन भारत में ना रहकर वो किसी अन्य देश में वो लोग बस गए हैं और वो चाहते हैं कि वो भारत के नागरिकता उनको मिल जाए, तो सरकार ने इसके लिए प्रावधान किया कि या तो उस व्यक्ति का जन्म स्वयं जो भारत में हुआ हो लेकिन वो अन्य देश में रह रहा है या उसके माता पिता या उसके दादा दादी या उसके नाना नानी में से किसी का भी जन्म जो है भारत में हुआ है तो उसको जन्म भारत में हुआ है यदि वह संविधान के लागू होने से पूर्व या संविधान के लागू होने के पश्चात नागरिकता के लिए आवेदन करता है तो उसको नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है ना, तो आर्टिकल 5, 6, 7 और 8 जो है भारतीय संविधान में किन किन मतलब एक तरीके से जो है किन आधारों पर नागरिकता देने की बात कही है, किन नागरिकों को किन लोगों को नागरिकता देने की बात कही है इसके संबंध में उल्लेख किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 9। तो
आर्टिकल 9 जो है ये कहता है, आर्टिकल 9 बात करता है कि किन आधारों पर व्यक्ति की नागरिकता, जिसको भारतीय नागरिकता मिली है, वो समाप्त कर दी जाएगी। मतलब आर्टिकल 9 नागरिकता को समाप्त, किन आधारों पर नागरिकता को समाप्त किया जाएगा, इसके संबंध में उल्लेख करता है। इसके आर्टिकल 9 क्या कहता है, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी नागरिकता या किसी विदेशी या किसी ऐसे देश के किसी विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और वो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता जो है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना, आर्टिकल 9 के संबंध में मैंने आपको ये बताया कि आर्टिकल 9 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो भारत की नागरिकता जो है उसकी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 10 में। आर्टिकल 10 ये कहता है किसी व्यक्ति की नागरिकता जो है, जो नागरिकता जो उसको दी जाएगी, उसके संबंध में जो विधि बनाने का अधिकार है वो संसद को प्राप्त है। तो संसद द्वारा एक तरीके से संसद द्वारा ही विधि बना के उसकी, संसद द्वारा ही उसको उसकी नागरिकता उसको दी जा सकती है। और आर्टिकल जो 10 ये कहता है कि किसी व्यक्ति की जो नागरिकता है वो संसद विधि के द्वारा ही उसे छीन सकती है। तो आर्टिकल जो है 10 जो है किसी भी व्यक्ति, 9 और 10 जो है किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को किन आधारों पर समाप्त किया जा सकता है और किन आधारों पर छीना जा सकता है उसका उल्लेख करते हैं। आर्टिकल 11 जो है, तो संपूर्ण नागरिकता जो आर्टिकल है हमारा, आर्टिकल जो 11 है, संसद को हमारी नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आर्टिकल जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में। तो आर्टिकल जो हमारा जो अधिनियम जो है 1955, ये कहता है कि भारतीय 1955 में भारत में 5 आधारों पर नागरिकता देने की बात कही गई है। पहली नागरिकता है वो जन्म के आधार पर नागरिकता देने की बात कही गई है। भारतीय जो नागरिकता जो अधिनियम है 1955, ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता दी जा सकती है। दूसरा उल्लेख इसमें है कि वंश परंपरा के अनुसार, मतलब डिसेंट बाय डिसेंट हम आधार पर किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता दे सकते हैं। दूसरा तीसरा एक तरीके से यह है कि रजिस्ट्रेशन द्वारा, पंजीकरण के माध्यम से कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता ले सकता है। चौथा जो है प्रकृतिकरण, मतलब नेचुरलाइजेशन के माध्यम से, जिसको हम लोग हिंदी में अगर देखें तो हिंदी में इसको बोलेंगे देशीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता ले सकता है। पांचवा भूमि के अर्जन के माध्यम से, अगर कोई अगर भारत सरकार जो है किसी ऐसे क्षेत्र का अधिकार कर ली है, तो उस क्षेत्र के नागरिक जो है वो उनको स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो आर्टिकल जो एक तरीके से अभी कहते भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में भारत की नागरिकता लेने के लिए 5 तरीके बताए गए हैं। किसी व्यक्ति को जन्म के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है, जन्म के आधार पर दी जा सकती है, और उसकी उसको नागरिकता वंश परंपरा के आधार पर दी जा सकती है, देशीकरण द्वारा दी जा सकती है, पंजीकरण द्वारा दी जा सकती है, और भूमि के अर्जन के माध्यम से उसको दी जा सकती है। ठीक है ना, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे और कल हम लोग जो 5 पॉइंट मैंने बताए हैं इन पर चर्चा करेंगे और सरकार ने क्या क्या नियम बनाए हैं उस पर चर्चा करेंगे। और अभी जो रिसेंट राष्ट्रीय सरकार ने जो है नागरिकता संशोधन बिल जो अधिनियम जो बनाया है सरकार जो है उसमें क्या प्रावधान है और उस पर इतना जो है बाद की स्थिति उत्पन्न हुई, हम लोग उस पर चर्चा